साल 2010, अमेरिका के वॉशिंगटन स्टेट का एक बड़ा शहर सिएटल। यहाँ के बीच पर एक मरी हुई ग्रे व्हेल मिली। वजन लगभग 40 टन। इतने बड़े मरीन एनिमल के मरने की वजह उसके अंदर मौजूद 20 किलो प्लास्टिक। 2018 में साउथ स्पेन के बीच पर एक मरी हुई स्पर्म व्हेल मिली। व्हेल की वो स्पीशी जिनका वजन 40,000 किलो तक हो सकता है। उस व्हेल के अंदर 30 किलोग्राम प्लास्टिक था। एक जेंटल ओशियन जायंट के मरने का कारण एक बार फिर प्लास्टिक। 2019 में फिलीपींस के बीच पर फिर एक मरी हुई व्हेल मिली। मरने की वजह अंदर मौजूद 40 किलो प्लास्टिक। ओशियन का एक क्यूट क्रिएचर है हार्बर सील। स्काई नाम के स्कॉटिश आइलैंड पर एक मरी हुई सील मिली। वजह उसके अंदर इतने प्लास्टिक पार्टिकल्स थे कि उसकी आंखें फूल गई थी। तो ये क्राइसिस कितना बड़ा है। हर साल दुनिया के ओशियंस में 13 मिलियन मेट्रिक टन कचरा या प्लास्टिक वेस्ट डंप किया जाता है। ये कुछ ऐसा है कि हर मिनट एक ट्रक कचरा डंप किया जाए और उससे होता है ये। अब तक बताई गई सभी बातें एक बड़ी फिल्म का ट्रेलर थी। यहां से शुरू होती है पूरी फिल्म। दुनिया में जितने भी कछुए हैं उसमें लगभग 50% किसी न किसी फॉर्म में प्लास्टिक खा चुके हैं। फिर उनकी मौत कुछ यूं होती है कि उनका पेट भर जाता है। ऐसे में कुछ और खाने की जगह ही नहीं बचती एंड दे स्टार्व टू डेथ। एक स्टडी कहती है कि जिन टर्टल्स के अंदर प्लास्टिक पार्टिकल्स जाते हैं उनका डेथ रेट कहीं ज्यादा होता है। इसके अलावा हर साल लाखों सीबर्ड्स प्लास्टिक वेस्ट की भेंट चढ़ती हैं। हर साल लगभग 1,00,000 मरीन मैमल्स की जिंदगी प्लास्टिक पॉल्यूशन के चलते खत्म हो जाती है। कुछ प्लास्टिक को खाकर मरते हैं और कुछ प्लास्टिक में फंस कर। 100 से ज्यादा रिसर्च पेपर से तैयार हुई एक स्टडी के हिसाब से मछलियों की 500 से ज्यादा प्रजातियों में प्लास्टिक किसी न किसी फॉर्म में जा चुका है और मरीन एनिमल्स की 700 से ज्यादा स्पीशीज ओशियन के प्लास्टिक पॉल्यूशन की वजह से इंडेंजर्ड हैं, जिसमें हवाईयन मॉन्क सील्स और पैसिफिक लॉगर हेड सी टर्टल्स शामिल हैं। पूरे सब्जेक्ट के कोर में दो एलिमेंट्स हैं, प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक। भारत सरकार ने इस मेजर चैलेंज को एक्नॉलेज करते हुए 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह बैन लगा दिया था। पूरी तरह का मतलब मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, स्टॉकिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, सेल एंड यूज, किसी भी तरह की एक्टिविटी पर पूरी तरह पाबंदी। सिंगल यूज प्लास्टिक हम जानते ही हैं, पॉलिथीन बैग्स, बॉटल्स, स्ट्रॉज, पैकेजिंग रैपर्स, केचप एंड शैम्पू सैशेज, ये एक बार ही यूज किए जा सकते हैं। वैसे सिंगल यूज प्लास्टिक की लिस्ट में कुछ और चीजें भी शामिल हैं। प्लास्टिक और सिंगल यूज प्लास्टिक जितने मरीन एनिमल्स के लिए खतरनाक हैं, उतने ही हमारे लिए। पर क्यों है? इसका आंसर थोड़ा साइंटिफिक है। प्लास्टिक तैयार करने में फॉसिल फ्यूल्स का इस्तेमाल होता है। जितने फॉसिल फ्यूल्स उतने ही कार्बन फुटप्रिंट्स। आसान भाषा में एटमोस्फियर में उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड। प्लास्टिक पेट्रोलियम बेस्ड भी होते हैं। इसका सीधा मतलब है कि ये नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं। हमारी जिंदगी भले ही कुछ सालों की है पर ये हजारों साल तक रहते हैं। बैक्टीरिया और फंगी जैसे डिकम्पोजर्स इन्हें डिकम्पोज नहीं कर सकते। फिर ये कंटेमिनेशन के थ्रू हमारे फूड चेन में एंटर करते हैं। वो कैसे? प्लास्टिक डिसइंटीग्रेट होकर ग्राउंड वाटर में कार्सिनोजेनिक मेटल्स छोड़ते हैं। वहीं ओशियन में प्लास्टिक के स्टेबल डाइट बनने का अलग प्रोसेस है। सूरज की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन और हवा पानी जैसे फैक्टर्स की वजह से प्लास्टिक पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। छोटे छोटे मरीन एनिमल्स इन पार्टिकल्स को फूड समझ लेते हैं। इन चीजों की वजह से फिशेज में बायो एक्यूमुलेशन भी होता है। आसान भाषा में जिस रेट से प्लास्टिक समुद्री जीवों के अंदर जाता है उस रेट से बाहर नहीं आ पाता। स्मॉल क्रिएचर्स से लेकर बड़े क्रिएचर्स तक प्लास्टिक का असर सभी पर पड़ रहा है। फिलहाल
दुनिया के ओशियंस में प्लास्टिक के लगभग 50 ट्रिलियन पार्टिकल्स मौजूद हैं। इक्वेटर से लेकर पोल्स तक और आर्कटिक आइस शीट से लेकर सी फ्लोर्स तक प्लैनेट पर ऐसा कोई हिस्सा बचा ही नहीं है जहां 2.5 स्क्वायर किलोमीटर तक प्लास्टिक ना हो। कुछ साइंटिस्ट का कहना है कि 2050 के अंत तक प्लास्टिक वेस्ट का वजन पूरे ओशियन फिशेस के वजन से ज्यादा हो जाएगा। प्लास्टिक से होने वाली तबाही यहीं खत्म नहीं होती। मछलियां पकड़ने वाले जाल कई तरह के होते हैं जिन्हें आम तौर पर फिशिंग नेट कहा जाता है। ऐसा ही एक नेट है घोस्ट गियर। ये ओशियन में होने वाले प्लास्टिक का 10% है। इसकी वजह से हर साल लगभग 3 लाख बेल्स, डॉल्फिन्स और सील्स की डेथ हो जाती है। ऐसी एक चीज है नर्डल्स। इसका साइज दाल के बराबर होता है। इसे मरमेट टियर भी कहा जाता है। ये भी सी पॉल्यूशन का एक बड़ा कारण है। प्लास्टिक वेस्ट की वजह से कोरल रीफ और एक्वेटिक प्लांट्स भी खत्म हो रहे हैं और अल्टीमेटली प्लास्टिक वेस्ट का असर क्लाइमेट चेंज पर पड़ता है और ग्रीन हाउस गैस इमिशन भी होता है। विडंबना यह है कि एक क्राइसिस के इतना बढ़ने के बावजूद उसे एड्रेस करने के लिए कोई मैकेनिज्म ही नहीं है। कई देशों के पास प्लास्टिक पॉल्यूशन से निपटने के लिए कोई बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। शायद यही वजह है कि 90s की शुरुआत में जब प्लास्टिक का आविष्कार हुआ तब से लेकर अब तक जितना भी प्लास्टिक बनाया गया है उसमें से महज 10% ही रिसाइकल हो पाया है। ऑस्ट्रेलिया की मिंडर फाउंडेशन के हिसाब से चीन सिंगल यूज प्लास्टिक का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है। दूसरे पर अमेरिका और तीसरे पर भारत है। इस पूरे सिनेरियो को लेकर एक और बात समझनी चाहिए कि दुनिया की हजारों नदियां समुद्र में मिलती हैं। वो खुद अपने साथ बल्क में प्लास्टिक वेस्ट और लिटर लेकर आती हैं। ओशियन में होने वाले प्लास्टिक पॉल्यूशन में 10 नदियों की भूमिका सबसे ज्यादा अहम है, जिसमें से 8 एशियन रिवर्स हैं। इसमें भी सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है चीन की यांगजे रिवर का। ये हर साल अपने साथ 1.5 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक वेस्ट और लिटर लेकर ओशियन में मिल जाती है। जैसा कि हमने पहले बताया कि कई मरीन एनिमल्स प्लास्टिक को अपना फूड समझ लेते हैं, जैसे जेलीफिश टर्टल्स की स्टेपल डाइट है। अक्सर ऐसा होता है कि प्लास्टिक बैग्स टर्टल्स को जेलीफिश जैसे लगते हैं। अटलांटिक और पैसिफिक ओशियन से लेकर मेडिटेरेनियन सी तक टर्टल्स की कुल 7 स्पीशीज के पेट में माइक्रोप्लास्टिक के ट्रेसेस हैं। टर्टल्स की तरह 60% सीबर्ड्स के पेट में भी प्लास्टिक है। 2050 के अंत तक ये फिगर 99% हो जाएगा। कुछ ऐसा ही रेशियो वेल्स, डॉल्फिन्स और सील्स का भी है। कुछ रिसर्चर्स ने कनाडा के गल्फ सेंट लॉरेंस के पास मौजूद वेल की तस्वीरें ली, जिससे ये पता चला कि 50-60% वेल्स अपनी लाइफ में कभी ना कभी किसी फिशिंग नेट में जरूर फंसी हैं। वेल्स की कुछ स्पीशीज में यही फिगर 70-80% है। डॉल्फिन की एक रेयर स्पीशी है हम्पबैक, जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और न्यू गुयाना में पाई जाती है। इनके केस में देखा गया है कि फिशिंग नेट में फंसने के बाद ये बच भी जाती हैं, तो उन्हें इन्फेक्शन हो जाता है और वो इन्फेक्शन इनके साथ ही खत्म होता है। इतनी बातों से एक बात साफ है कि जमीन पर रहने वाले जीवों के चलते पानी में रहने वाले जंतुओं का जीवन बेहद कठिन हो गया है। पानी में रहने वाले किस बात की कीमत चुका रहे हैं कि उन्हें भी नहीं पता, समझने के पहले ही उनकी जिंदगी खत्म हो जाती है। यानी एक अर्जेंट एक्शन प्लान की जरूरत है जिससे इस क्राइसिस का स्केल कम किया जा सके। तो इसका सलूशन क्या है? सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि यह कोई इंडिविजुअल एफर्ट नहीं है, कलेक्टिव एफर्ट है। इसका कोई इंस्टेंट सलूशन भी नहीं है। प्लास्टिक से बनने वाली हर चीज को रियूज, रिड्यूस और रिसाइकल करना होगा। प्लास्टिक के डिस्पोजेबल ऑप्शन लेने होंगे। बीचेस पर रेगुलर कम्युनिटी क्लीनअप्स को बढ़ावा देना होगा। ज्यादा से ज्यादा सैनिटरी लैंडफिल्स और वेस्ट मैनेजमेंट होना चाहिए। प्लास्टिक पॉल्यूशन का सामना करने के लिए यूनाइटेड नेशंस की 3 पॉलिसीज हैं, बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, क्लीन सीज कैंपेन और होनोलुलु स्ट्रेटजी। G20 ने भी प्लास्टिक लिटर खत्म करने के लिए इफेक्टिव वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट को बढ़ावा देने की अपील की है। लगभग 60 देश पहले ही सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरी तरह पाबंदी लगा चुके हैं, बहुत से लगाने की योजना बना रहे हैं। अगर ये वन डे प्रॉब्लम नहीं है
तो इसका वन डे सोल्यूशन कैसे हो सकता है? इन सारी बातों का मतलब बस इतना है कि समय आ चुका है जब आप भी उन तरीकों के बारे में सोचना शुरू कीजिए जिससे दो चार समुद्री जीवों की जान बच पाए।